अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी एक ख़बर आ रही है तुर्की से। तुर्की में हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन है 14 मई को और ये करो या मरो का मसला है। 20 साल से तय्यब अर्दोगान हुकूमत में हैं। 2003 में जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट हैं। तो कांटे की टक्कर है। तो अभी उन्होंने एक मास्टर कार्ड खेला है। आज 9 तारीख है, 5 दिन बाकी है इलेक्शन में। तो ये देखिए, तुर्की रेजेस पब्लिक वर्कर सैलरीज बाय 45% डेज बिफोर इलेक्शन। यानी सैलरी हर एक की बढ़ा देंगे 45%। प्रेसिडेंट अर्दोगान मेक्स अनाउंसमेंट एज ही सीक्स री इलेक्शन एंड इकोनॉमिक टर्माइल हर्ट्स हिज चांसेस। तो अब ये देखिए कि ये जो ऑफ़र दिया है, इससे जो है लोगों के माइंड चेंज होते या नहीं। और ऐसा लगता है कि इस्तांबुल में जो भीड़ आई थी, उससे जोश में आकर के उन्होंने ऐलान किया। तो तुर्की में जो है आप जानते हैं लीरा चलता है। तो इनका कहना यह है कि अगर मैं जीत करके आ गया तो जो सबसे कम सैलरी पाने वाला शख्स होगा वो भी 15,000 लीरा पाएगा।